कोयला का डस्ट उड़ रहा है, इसको अंदर से ट्रांसफरिंग की बहुत खतरे घंटी है, इन्फॉर्म कर देना चाहिए हमको। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, थोड़ा रेस्ट कर लेते यार, इतना गर्मी दे रहा है ना आज, रियली बता रहा हूँ मैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड वीडियो। आज मैं जा रहा हूँ फैब्रिकेशन साइट, यूनिट वन का जो कल का ब्लॉग था वो काम ख़त्म हो चुका है, वेल्डिंग भी कद ख़त्म हो चुका है। आज मैं जा रहा हूँ फैब्रिकेशन साइट पे, और इनफैक्ट आज धूप तो कड़क एकदम कड़क धूप दिया है, लगता है कि आज सूर्य जी हमको जलाएंगे, पूरा जलाएंगे। आज सारा सामान ले लिया हूँ, मेरे हेल्पर आ गए हैं साजन, अभी फैब्रिकेशन साइट जा रहा हूँ। चलिए आज फैब्रिकेशन का फुटेज देखते हैं, और बने रहना मेरे वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, ये तो बहुत गलत हो रहा है यार, यार देखिए यहाँ पाइप लीकेज कर गया, ये बहुत खतरे घंटी है, लेकिन आपको मैं फुटेज दिखा रहा हूँ, ठीक है, इससे क्षति हो सकता है। आप देख रहे हो ये कोयला का डस्ट उड़ रहा है, इसको अंदर से ट्रांसफरिंग की बहुत खतरे घंटी है, इन्फॉर्म कर देना चाहिए हमको। ओ माय गॉड। दोस्तों, मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कॉल कर दिया, वो लोग तुरंत आ रहे हैं उसको रिपेयरिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा प्लांट है ना, इसीलिए कहाँ क्या होता है सबका नज़र में इतना नहीं पड़ता है। अभी मेरे नज़र में पड़ गया, मैं इसको फ़ोन कर दिया, और अभी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आके इसको रिपेयर कर देंगे, वेल्डिंग करके ठीक कर देंगे। ये बहुत डेंजरस गैस है, लेकिन फ्रेंड चलिए फैब्रिकेशन साइड मैं घुसने वाला हूँ, ओके, वीडियो बने रहना। फ्रेंड्स, थोड़ा रेस्ट कर लेते यार, इतना गर्मी दे रहा है ना आज, रियली बता रहा हूँ मैं, हमको लगता है अभी अभी 10 भी नहीं बजे होगा ठीक से, अभी हमको लगता है 40 डिग्री सेल्सियस चढ़ गया होगा। असाजन भी हमसे बहुत आगे निकल गया यार, थोड़ा छाँव में रुक जाते हैं, नहीं ज़्यादा लेट होगा तो फिर फैब्रिकेशन साइट नहीं पहुँच पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो बना रहना, चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं फैब्रिकेशन साइट पर, हालत तो पूरा पंक्चर हो गया, अभी अभी तो पूरा अभी बाकी है 12 घंटा, अब इतना धूप दे रहा है यार क्या बोलें। खैर अभी कोई है नहीं, सिर्फ हम लोग दोनों हैं, और वीडियो बने रहना, सारा फुटेज आपको मैं फैब्रिकेशन का दिखाऊंगा, मैं क्या वेल्डिंग कर रहा हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा, ओके, तो वीडियो बने रहना। फ्रेंड्स, ये फैब्रिकेशन ऑफ एब्जॉर्बर, कल जो हम आपको बताए थे एब्जॉर्ब करना, जो सल्फर गैस को एब्जॉर्ब करता है ना, तो ये एब्जॉर्ब कर ये फैब्रिकेशन टोटल यहीं पर हो रहा है। देखिए साजन मेरा जुगाड़ वगैरह सब सेटअप कर रहा है, ये फैब्रिकेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ किस जगह पे और कौन सा मटेरियल पे मैं आज वेल्डिंग कर रहा हूँ। आपके पास खड़ा है ये देखिए, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में मैं आज आर्क वेल्डिंग करूँगा। आर्क वेल्डिंग क्या होता है नहीं होता, डिटेल्स मैं आज आपको बताऊँगा, तो वीडियो में बना रहना दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स, ये 7018 करड है, 7018 इसका कोड होता है, और इसका डायमेंशन है 4 mm, तो लो हाइड्रोजन रड है, मैं इसको होल्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और वीडियो बना लेंगे।
फ्रेंड्स आप लोग जो देखे वेल्डिंग करना, वो जो रड था इलेक्ट्रोड्स उसको 7018 कोड रहता है और लो हाइड्रोजन रड है वो, और डायमेंशन 4 mm रहता है, 4 mm का रड होता है। तो उसी से आप लोग देख रहे थे मैं वेल्डिंग कर रहा था, और भी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, बस वीडियो पे बने रहना दोस्तों। तो फ्रेंड्स वेलकम बैक। आज मैं ज़्यादा फुटेज नहीं बना पाया क्योंकि आज बहुत ज़्यादा धूप है दोस्तों, बहुत ज़्यादा धूप है, और कोशिश करूँगा कल भी एक फुटेज बना के आप लोगों तक भेजना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, शेयर भी करना दोस्तों के ऊपर। मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।